सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदेद कहते हैं आपको प्रोग्राम लाइव विद खालिद फातमी में और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान रुबीना अलवी। पाकिस्तान ने FATF को नई रिपोर्ट भेज दी। पाकिस्तान आइंदा बरस फरवरी तक एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म। FATF का फरवरी में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ब्लैक लिस्ट में किए जाने का इम्कान। FATF के तहत इलेक्शन प्लान पर अमल दरामद की रिपोर्ट जारी। 1.5 साल में 8 कलदम तंजीमों के खिलाफ मुकदमात की तादाद में भी इजाफा। एक्शन प्लान पर तेज़ी से अमल हो रहा है। पाकिस्तान 113 मदारिस को हुकूमती निगरानी में दिया जा चुका है एक रिपोर्ट के मुताबिक। इसी पर हम आज का तजिया तो लेंगे ही, इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि दूसरा जो हिस्सा होगा हमारे प्रोग्राम का वो होगा कि पाकिस्तान की सुस्त मईशत की बहाली, मुस्तहकम मईशत नागुज़ीर है और इस पर हम मज़ीद तजिया भी लेंगे आगे चल के प्रोग्राम में। सबसे पहले रुख किए लेते हैं फातमी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है आप फातमी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ फातमी साहब, ये बताइएगा, ये जो पाकिस्तान ने FATF को नई रिपोर्ट भेज दी है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में तो है ही लेकिन खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में भी किए जाने का इम्कान है, तो एक तो आप ये बताइए कि ये जो तलवार हम पे लटकी है FATF की, इसका क्या आप ख्याल आपके जहन में है? देखिए, ये है ऑलमोस्ट 1.5 साल पुराना केस है। जून 2018 में FATF, जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका काम ये है। अच्छा, बहुत शुरू में हम लोगों का ये ख्याल था कि शायद ये पाकिस्तान या मुसलमान मुल्कों के हवाले से ऐसी कोई बात है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये एक इदारा है जो पूरी दुनिया में सिर्फ इस बात पे नज़र रखता है कि आपके यहाँ जो पैसों की रेल पेल है इसके ज़राए जायज़ हैं या नाजायज़ हैं, भाई ये है। अजय, जो ही उनको महसूस होता है, क्योंकि देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहले 20-25-30 साल तो खैरियत से गुजर गए, लेकिन दोबारा दुनिया में दहशतगर्दी और इस किस्म की चीज़ें शुरू हो गई और 9/11 के बाद फिर ये इंतहा पे चली गई। फिर ज़ाहिर उसके बाद आपको पता है उससे पहले अफगान वॉर में रशिया के साथ इन्वॉल्व। उस हवाले से जब भी दुनिया में इस किस्म की तंजीमें या तहरीकें शुरू होती हैं तो उन्हें अपने पैसों के लिए, मदद के लिए पैसे चाहिए होते हैं और पैसों के लिए आसान ज़राए दो ही होते हैं, या ड्रग या असलाह, जिससे वो पैसे आसानी से उनको। तो पाकिस्तान भी उसी जद में आ गया कि जो तवील अरसे तक हमारे यहाँ दहशतगर्दी रही उसमें मनी लॉन्ड्रिंग आप रोज़ सुनी रही, बड़े बड़े लीडर भी उसमें पकड़े जा रहे हैं। खैर, वो तो एक सियासी मसला, लेकिन हकीकत ये है कि उसमें पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। अच्छा, ग्रे लिस्ट में दो ही तरीका है कि या तो आप वापस यानी वाइट लिस्ट में यानी खारिज हो जाएंगे या ब्लैक में चले जाएंगे। अच्छा, ईरान ऑलरेडी उसमें है, बहुत बड़ा अमीर मुल्कों के लिए इस पे बहुत बड़ा फ़र्क तो नहीं है, लेकिन रेपुटेशन ख़राब होती है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हम जैसे मुल्कों के लिए कि हमारा ट्रेड यूरोप से ख़त्म हो जाता है। जी जी। तो हम हर लहजे ऑलरेडी मुआशी तौर पे बदहाल हैं तो और बदहाल हो जाने का ख़तरा होता है, इसीलिए उसके बाद से हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। और आपको पता कि अभी थोड़े दिनों 2 महीने पहले जब इजलास हुआ, हमने पूरी यानी कोशिश की, लॉबिंग की और हमारे यहाँ से सारे मिनिस्टर गए, सारे लोग गए, ख्याल ये था कि शायद हम निकल जाएंगे, लेकिन उसमें इंडिया का भी बड़ा प्रेशर था। अजय, जाहिर है इंडिया हर लहजे हम जैसे हम उसके पीछे और वो हमारे पीछे पड़े रहते हैं, यानी हम दोनों मुल्क जो हैं बजाय अपनी भलाई के लिए दोनों मुल्क एक दूसरे की दुश्मनी पर अपनी एनर्जी सर्व करते हैं। अजय, उसमें कुछ जाहिर है दोनों ममालिक के कुछ लोग हैं जिनके मकासद भी उसमें पूरे होते हैं। बहरहाल, तो नतीजा ये हुआ कि इन्हें दोबारा वक्त दिया गया है फरवरी 2020। अच्छा, उसमें समझ लें आप शराइत क्या हैं। 27 शराइत में
जो उनकी रिपोर्ट है वो अब तक इन्होंने 5 पे जी हाँ मुकम्मल किया, यानी 22 अभी बाकी हैं। आपके ख्याल में फरवरी तक ये सारी शरायत मुकम्मल हो जाएगी? शरायत तो मुकम्मल नहीं होगी, लेकिन देखिए वो भी जो लोग बैठे हैं, मैंने आपसे कहा ना कि वो कोई आपके दुश्मन भी नहीं है, न जालिम लोग भी नहीं है, और बिला मकसद भी आपको तंग करना अगर तो आपका रुझान भी उधर हो गया और आपकी नेकनीयती भी उनको समझ में आ गई और आपके मकासद भी उनके ख्याल में आ गए, तो बहुत मुमकिन है कि आपको ग्रे लिस्ट से निकाल के वक्त और दे दिया जाए ग्रे लिस्ट से। क्योंकि देखिए सारा खेल ये है कि अब तक हम पे इल्ज़ाम पिछले 10 सालों में ये रहा है, यानी मुशर्रफ के जाने के बाद, कि पाकिस्तान जितने वादे करता है यूरोप अमेरिका से सब झूठ पे मबनी है, यानी ये कयास है, उनका ये कयास है। अच्छा, और जब भी हमने कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं तो उन्होंने बेशुमार बेशुमार हमें सबूत भी फराहम कर देते कि आप झूठ बोल रहे हैं, उसमें दाइश है, अलकायदा है, और जो दूसरे इदारे हैं इसी किस्म के, आपको पता कि जितनी भी जितनी कलदम तरीके हैं, तो उसमें हो गया रहा है कि हम कहते हैं तो उसमें हाफिज सईद साहब हैं, जैश मोहम्मद हैं, इसमें जो बड़े लीडर्स थे उनको हम टाल मटोल करके गिरफ्तार नहीं करते थे, अब कर लिया है। अब ख़ुद हुकूमत कह रही कि 113 मदारिस को हुकूमती निगरानी में दिया जा चुका, तो ये तो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। इसके अलावा हुकूमत ख़ुद कह रही है कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मुकदमात में 400 और सज़ाओं में 403% इजाफा हुआ है। अच्छा, अब जब तक कि ये बात बिल्कुल यकीन दहानी ना हो जाए उनको, कि क्योंकि होता यह कि जब आप किसी को गिरफ़्तार करते हैं तो बाहर खबरें चली जाती कि ये गिरफ़्तार भी बस ऐसी बराए नाम है, जेल में ये एक क्लास में बैठे हुए सारे ऑपरेशन वहाँ से आप अक्सर सुनती होंगी 2 साल पहले, यानी PMLN के ज़माने में या PPP के ज़माने में थोड़ा सा रुझान लाइट था और वो टाल मटोल से काम ले लेते, मजबूरियाँ थी बहुत सारी जिसकी वजह से ये होता था कि ये सारे लोग अपने अपने ऑपरेशन जारी रखे हुए थे। लेकिन जब प्रेशर पड़ा तो अब इस ये जो मौजूदा हुकूमत आप समझ लें इसकी खुशकिस्मती समझ लें या बदकिस्मती कि जब 2018 में प्रेशर पड़ा तो ये टाइम PTI का आ गया। PTI को ये एक एडवांटेज मिल गया कि वो साबित कर सके दुनिया के सामने कि जनाब हम बिल्कुल दहशतगर्दी के पीछे नहीं है और हम इसको ख़त्म करना, और वही साबित करने के हवाले से गोया हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। सब चूँकि बात हो रही है ये FATF की, जैसे पाकिस्तान जून 2018 से ग्रे लिस्ट में है, ठीक है, जैसे सदर FATF के बकौल है, तो आप ये बताइए कि जैसे पाकिस्तान यकीन दहानियों के बावजूद भी आप समझते हैं कि कोई बड़ी चीज नहीं दिखा सका या अभी तक अपने आप अभी तक नहीं दिखा सका? लेकिन अब जरा जब लास्ट टाइम इनको ग्रे लिस्ट में रोका गया जिसमें पाकिस्तान की पूरी टीम गई थी और ये ख्याल ये था कि शायद निकल जाएंगे, तो उन्होंने वाजे इनको बताया कि भाई 27 में आप सिर्फ 5 पे पूरे उतरे हैं, 22 अभी बाकी है। मतलब ऐसा ना कि 27 में अगर 17 हो जाए तो आप हाथ पैर जोड़ सकते हैं कि जनाब, लेकिन 27 में 5 का मतलब है 20% भी नहीं हुए ना, 25 के 20%। तो अगर आप 20% भी हमारे हुक्म पे अमल नहीं कर रहे, और जैसा कि मैंने फिर कहा कि शुरू में हुकूमत ने या जो लोग लॉबिंग करते हैं उन्होंने आवाम को ये तासुर देने की कोशिश की कि ये जुल्म हमारे साथ हो रहा है, उन्हें ये नहीं पता कि आयरलैंड के साथ भी होता है, यूरोप के ममालिक के साथ भी होता है, दुनिया के हर जगह होता है, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, और ये उनका मकसद। अच्छा, इसमें फायदा अच्छा, ये है सब ये भी देखना होगा ना कि जो 27 में से अभी तक जो 5 दी गई हैं चीजें, तो उसमें भी वो मुतमईन है कि नहीं है? नहीं, वो 5 पे तो उन्होंने मुतमईन है, उन्होंने कह दिया कि ये परफेक्ट है। अच्छा, ये भी पिछली रिपोर्ट है 2 महीने पुरानी, बहुत मुमकिन है कि अब बढ़ गया। क्योंकि देखिए है क्या, इस वक्त आपको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आपका लोन रिलीज कर दिया, IMF ने आपके यहाँ सेटिस्फैक्शन का इशारा दिया, आपके यहाँ स्टॉक मार्केट की पोजीशन बेहतर हुई, यानी हम ये तो नहीं कह सकते कि इकानमी हमारी बेहतर हो गई, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि पॉजिटिव इशारा मिल रहा है। अच्छा, तो जो बाहर लोग बैठे हैं वो इसको असल में पाकिस्तान में समझना मुश्किल है, वो आज के आपके एक्शन से कल के अंदाजे लगा लेते हैं, हम लोग नहीं लगाते। तो वो जैसे फर्ज कीजिए कि वो जब किसी को क्रेडिट कार्ड देते हैं तो इस पे नहीं देते कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, उससे उनको कोई गरज नहीं कि आपके 50 लाख रुपए, वो इस पे देते हैं कि 18 साल से 26 साल तक 8 साल में आपके क्रेडिट कार्ड पे सिर्फ $500 होता था, लेकिन आप $18 हर महीने दे देते थे, गोया आपकी आदत है बर वक्त पैसे अदा। तो इसी बुनियाद से अगर उनको ये अंदाज़ा हो कि आप जो है अपने
جو اس میں سب سے امپورٹنٹ وہی ہے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی, یہ سب سے اہم ہے. تو اگر اس پہ ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم بالکل اس میں سنجیدہ ہیں. اچھا دیکھیے, لاسٹ ٹائم بھی جو پریشر تھا جس کے بعد حافظ سعید صاحب کو پکڑا گیا, وہ یہی پریشر تھا کہ آپ صرف ان کے گرفتار کرنے سے ہم مطمئن نہیں ہوں گے, بلکہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جو لوگ اس جرم میں ملوث ہیں ہم ان کو سزائیں بھی دے رہے ہیں. اچھا, وہ پوائنٹ ہے جہاں پاکستان کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے کہ سمجھ لیں پاکستان میں پچھلے 30-35 سال سے, ضیاء الحق کے زمانے سے, مذہب کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہو گیا ہے, اور یہ بالکل حکومت کا کام ہے. اس میں ہم نے بھی بچپن میں ظاہر قرآن پڑھا اور تعلیم حاصل کی. ہمارے بچپن میں مدرسوں کا کام صرف اسلامی تعلیم دینا تھا, لیکن ضیاء الحق صاحب نے چونکہ اس زمانے کی پوری اسی حساب سے ان کو حکم ملا تھا باہر سے, باہر کی طاقتوں سے, انہوں نے جو جہاد کا فلسفہ اس میں زبردستی داخل کیا اور جو نوجوانوں کو خود کچھ بمبار اور فلاں فلاں, تو اس کی وجہ سے آپ کے ہاں مدرسوں کا پورا ٹرینڈ, یعنی مدرسے برے ہرگز نہیں ہیں, نہ کبھی تھے, پوری دنیا میں مدرسے ہوتے ہیں اور مدرسے بہت ضروری ہیں معاشرے میں آپ کو مذہبی تعلیم دینے کے لیے, لیکن اس پورے مدرسے کو آپ نے ڈائیورٹ کر دیا دہشت گردی کی طرف. اچھا, وہ بچے جو 10-12-15 سال کے, ان کو آپ نے 10 سال ٹرینڈ کیا, اب آپ ان سے کہہ رہے ہیں چھوڑ دیں, تو دشواری یہ ہو رہی اس میں لگے گا 10-15 سال. اول تو خیر کافی کنٹرول ہے فاضل صاحب, جیسے یہ پاکستان نے 27 ایکشن نکات میں سے بڑے پیمانے پر 5 پر صرف عمل کیا ہے نا, اب جیسے ایف اے ٹی ایف کا اصرار ہے کہ فروری 2020 تک ایکشن پلان پورا کیا جائے, آپ کے خیال میں یہ ممکن ہو سکے گا؟ ممکن ہے. دیکھیں, میں نے پھر یہ آپ سے کہا کہ وہ آپ کی, اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں اتنی خبر نہیں ہوتی جتنی انہیں ہمارے بارے میں خبر ہے. وہ دنیا رول کر رہے ہیں نا, پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے, یعنی آپ یہاں بیٹھے بنیگالا میں کیا میٹنگ کر رہے ہیں یہ پاکستان کو تو نہیں پتا ہوگا, لیکن امریکنز کو پتا. آپ حیران ہوں گی کہ صدام حسین جب بنکر کے اندر اپنی میٹنگ کرتے تھے, بالکل جہاں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی, تو اگلے دن امریکہ بتا دیتا تھا کہ کل شام میں یہ ڈسکس ہوا ان کے یہاں, کیونکہ ظاہر ہے ان کے یہاں ایڈوانس, بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ, اب میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اس میں تھوڑی سی جو آپ کے پاس گنجائش ہے وہ یہ کہ وہ یہ چیک کریں گے 27 میں کہ آپ فرض کیجئے 5 کے بعد آپ بقیہ جو 22 ہے اس پہ آپ نے پازیٹیو راستہ یعنی ہائی وے صحیح پکڑ لیا ہے. ابھی تک تو یہ ہو رہا نا کہ ہم ان کو چکما دیتے رہتے ہیں, اس کے ہم ماہر ہیں. تو یہ چکما دینا اور یہ جو فریب دینا ہے, یہ ہماری ایک سمجھیے ضیاء الحق کے زمانے سے عادت ڈیولپ کیا ہم نے اپنے آپ میں کہ ہم جھوٹ بول کے کام چلا لیتے ہیں. کہ مطلب آپ کے خیال میں وہ ہے کہ بھئی فیئر ڈیل نا, مطلب ہر چیز میں فیئر. اگر جیسے جیش محمد کا معاملہ ہے, اسی طرح ISIS کا معاملہ ہے جو پوری دنیا میں تباہی, تو آپ کو پتہ ہے بڑی طویل عرصہ تک ہم نے کہا کہ جی ان کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے داعش کا, لیکن پتہ چلا داعش بھی ہے. تو اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہونے کے باوجود بہت سنجیدہ ہیں نیک نیتی سے اس کو وائپ آؤٹ کرنے میں, تو میرا خیال ہے کہ موسٹ آف دا کنٹریز جو ہمارے فیور میں دیں گے, یعنی یہ ہمارا خیال ہے کہ ہم اس سے نکل جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. کیونکہ اگر خدا نخواستہ نکلے تو اس میں جو سب سے بڑی دشواری سمجھ لیا ہم جی, کہ اب اس میں شاید, کیونکہ لاسٹ ہے, مجھے نہیں پتا کہ کوئی اس میں آپ کو چھوٹ ملے گی نہیں, لیکن لاسٹ ٹائم انہوں نے بہت واضح کہا تھا کہ اب آپ کے پاس دو ہی چیز ہے, یہ تو آپ نکلیں گے یا بلیک لسٹ میں چلے جائیں گے, یعنی مطلب بیچ کا راستہ, بیچ کا. اچھا, فرض کیجئے انہوں نے 4 مہینے کے لیے گرے لسٹ, تب پھر تو آپ سیف ہیں, کیونکہ کم سے کم چلو بھائی 4 مہینے جون تک اور ٹائم ہے. لیکن لاسٹ ٹائم انہوں نے بہت سخت رویے کے ساتھ آپ سے کہا کہ جناب علی انف از انف, آپ یہ تو وائٹ میں یعنی صاف ہو جائیں گے یا آپ بلیک میں چلے جائیں گے, ہم گرے. تو اگر تو ایسا ہوا تو ہمارے لیے دونوں صورتوں میں دشواری ہے, ظاہر ہے کیونکہ جو باہر سے انویسٹر آ رہے ہیں, جو باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, جو باہر سے کاروبار ہو رہا ہے, ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ آپ گرے لسٹ میں ہیں تو وہ اپنی تمام انویسٹمنٹ روک کے رکھ لیتے ہیں کہ بھائی ذرا رک جاؤ, ابھی ماحول نہیں ہے. بریک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اور بریک کے بعد ناظرین جب بات کریں گے کہ یہ جو ایف اے ٹی ایف کے مجوزہ اقدامات ہیں اس نے ملکی معیشت کو مسائل کا شکار کیا ہے کیا, یہ سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس پر ہم بریک سے آنے کے بعد ڈسکس کریں گے. فاطمی صاحب سے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی
جی ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. فاطمہ صاحب، پہلے حصے میں تو ہم نے ظاہر ہے ایف اے ٹی ایف سے متعلق ہی بات کی، لیکن سوال چونکہ چھوڑا تھا بریک پہ جانے کے وقت کہ یہ جو ایف اے ٹی ایف ہے، اس کے جو مجوزہ اقدامات ہیں، اس نے ہماری ملکی معیشت کو مسائل کا شکار آپ کے خیال میں کیا ہے کیا؟ بالکل کیا. دیکھیے کیا کیا، بہت کیا، بہت زیادہ کیا. میں نے آپ سے کہا نا کہ گرے لسٹ میں ہونے کی وجہ سے اس ڈیڑھ سال میں، کم و بیش ڈیڑھ سال ہو گئے، 2018 جون سے، اب آپ سمجھیے کہ دسمبر آ گیا، ڈیڑھ سال پورا ہو گیا، 18 کو ڈیڑھ سال ہو جائے گا. تو یہ جو پیریڈ 18 ماہ کا گزرا ہے، اس میں گویا جو تلوار لٹکی رہی ہے، تو اس سے ہمیں پوری دنیا میں جا کے کنونس کرنے میں کہ ہمارا ملک ایک صاف ستھرا ملک ہے، ہمارے یہاں منی لانڈرنگ نہیں ہوتی ہے، ہمارے یہاں اس قسم کے کام، وہ دشواری. دوسرے اس میں جو سب سے وہ اور بھی مضحکہ خیز اور آپ اس پہ لطیفہ بھی سمجھ سکتی ہیں کہ اس میں جلتی پہ تیل کا کام خود پرائم منسٹر نے کیا، کہ جہاں جہاں گئے انہوں نے جذباتی انداز میں تقریر کیا کہ بھئی ہمارا جو ملک ہے وہ ٹوٹل چوروں کا ملک ہے، اور سب چور ہیں، لیڈر بھی چور ہیں، عوام بھی چور. اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ خبریں تو یہاں نہیں آتی ہیں، جب چائنا گئے انہوں نے یہ تقریر کی تو چائنیز ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی مطلب آخر یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ بھائی سب چور ہیں تو پھر ہم، کیونکہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں سب چور ہیں تو کون آئے گا آپ کے یہاں؟ لیکن آپ خود ہی کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں سب چور ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں بھائی ایسا کیجیے مجھے 2 لاکھ روپے دے دیجیے آپ. فاطمہ صاحب، اس وقت ہمیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ماہر معاشیات جوائن کر رہے ہیں، انہیں بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب آپ کے خیریت سے ہیں؟ جی کس طرح سے آپ کہیں گے ابھی ہم فاطمی صاحب سے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا، اب ظاہر ہے کہ آپ ماشاءاللہ ہیں موجود تو پھر آپ سے بھی یہ سوال پوچھوں گی. جیسے یہ ایف اے ٹی ایف سے متعلق ہم نے اپنا پہلا حصہ جو پروگرام کا ہے وہ کیا تھا، تو جیسے ایف اے ٹی ایف کے مجوزہ جو اقدامات ہیں، تو ڈاکٹر صاحب اس نے ملکی معیشت کو آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک مسائل کا شکار کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ پاکستان الحمدللہ ایک بڑا ملک ہے، اس کا دنیا میں ایک انفلوئنس ہے، تو انہوں نے جو گرے لسٹ میں اس سے پہلے بھی پاکستان کو ڈالا جا چکا ہے کئی سال پہلے، اب بھی ڈالا ہوا ہے، تو اس سے ہماری ایک امیج پر بھی ضرور فرق پڑتا ہے. اور جب ہم گرے لسٹ میں ہوتے ہیں تو یہ خطرہ بھی موجود رہتا ہے، کتنا ہی کم بھی ہو کہ خدا نخواستہ اس کو بلیک لسٹ میں اگر ڈال دیا تو کیا ہوگا، وہ اصل میں تباہ کن ہوتا ہے. لیکن گرے لسٹ میں رہنے سے جو تھوڑا بہت اثر پڑتا ہے، وہ بحثیت مجموعی پاکستان میں اتنی صلاحیت ہے کہ اس کا نیگیٹو افیکٹ کوئی ہمیں محسوس نہ ماضی میں ہوا ہے، نہ ہو رہا ہے، نہ آئندہ ہوگا. ٹھیک ہے، دوسری جانب پاکستان کی جو سست معیشت کی بحالی ہے اور مستحکم معیشت ناگزیر ہے، دوسری جانب ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان میں معاشی استحکام کی سپورٹ کے عزم کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو اظہار کیا ہے انہوں نے؟ دیکھیں بات یہ تھی کہ میں جو امپورٹنٹ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جی جی پلیز، وہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے چند جی جو اپنے وسائل سے زیادہ بیرونی وسائل پر زندہ رہتے ہیں. یعنی ایک تو طریقہ زندہ رہنے کا یہ ہے ترقی کرنے کا کہ ہم اپنے ٹیکسوں کی وصولی بڑھائیں، اپنی قومی بچتیں بڑھائیں، ہم اپنی ملکی سرمایہ کاری بڑھائیں، یہ ہے اصل ترقی. اس کے بجائے ہمارا زور جو ہے وہ یہ ہے کہ باہر سے قرضے مل جائیں، باہر سے امداد مل جائیں، باہر سے اساتذے ہم غیر ملکوں کو بھیج دیں اور باہر سے ریمیٹنسز آ جائیں. تو یہ کوئی صحت مند علامت تو نہیں ہے. اس سال ہم نے 10.8 ارب ڈالر کے قرضوں میں اضافہ کر لیا ہے پاکستان کے، 10.8 ارب ڈالر کا اضافہ ایک سال میں، جبکہ اس سے پہلے کے جو 10 برس تھے اس میں اوسطاً کوئی 5 ارب ڈالر سے کم کا اضافہ ہوا تھا سالانہ. دگنے سے زیادہ اضافہ جو یہ ہو گیا، اور اب ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی آپ قرضے لے رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرضے دیں گے تو یہ واپس بھی تو کرنا ہے. اور اس حکومت نے یہ جو کر لیا ہے، ہمارے اسٹیٹ بینک کے جو گورنر صاحب آئے ہیں انہوں نے یہ کیا کہ باہر آپ کو بھی پتا ہے کہ کارپوریٹ کلائنٹ جو ہوتے ہیں ان کو بینکوں میں رکھتے ہیں تو 1 یا 1.5% منافع ملتا ہے. انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ جی پاکستان میں جو ریٹ ہے 13.25 ہے تو آپ ٹریزری بل میں لگا دیں. تو 1 ارب ڈالر باہر سے آ گیا اور اس کو ٹریزری بل میں لگا دیا 13.13% کے قریب. تو یہ کوئی دانش مندی تو نہیں ہے کہ آپ مہنگے شرح سود پر انویسٹمنٹ لیں اور باہر سے بے تحاشا قرضے لیں، تو یہ کوئی صحت مند علامت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسری جانب ڈاکٹر صاحب جس طرح سے یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر
अब्दुल हफीज शेख जो है उनका कहना है कि जो आलमी जरीदा है जो ब्लूमबर्ग उसने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को दुनिया की 3 बेहतरीन कारकर्दगी वाली स्टॉक मार्केट करार दे दिया है, तो उनका कहना यह है कि हमारी मईशत मुस्तहकम होने की ये निशानी है। आप इन जो ये निशानी बजाहिर कर रहे हैं इस पर आप कितना इत्तेफाक करते हैं कि वो कितना सही कह रहे हैं इस बात को? देखिए मैं आपके सामने एक जुमले में एक शीघ्र देता हूँ तो जो सब लोग आपके प्रोग्राम देख रहे हैं जी उनको पता चल जाए कि हुकूमत क्या कर रही है। तमाशा हम लोग ये करते हैं कि 5 कदम पीछे हटते हैं उसके बाद 1 कदम आगे बढ़ते हैं जी, तो उसको कहते हैं तरक्की होगी, हालांकि हम 4 कदम पीछे जा चुके होते हैं। सही, मैं बिल्कुल रिकॉर्ड पर आपको बता रहा हूँ कि अप्रैल 2018 में पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज था वो 53,400 था, 53,400, अब ये बढ़ने के बाद 40,700 पर आ गया। सही, तो ये तो 25% कमी हो गई तकरीबन 13,000 की। सही, और जिन लोगों ने उस पर पैसा लगाया था मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। तो ये निशानी है या परेशानी है? जी ये मैंने कहा निशानी नहीं फिर परेशानी हुई, तो मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि कई हजार अरब रुपया लोगों के डूब चुके हैं उनका जिन्होंने उस पर पैसा लगाया था। तो मुझे तो बुनियादी सवाल, रफी शेख साहब काबिल आदमी है, वो मुशर्रफ साहब के दौर में भी हुकूमत में थे, पीपुल्स पार्टी का दौर जबकि आप ये कह रहे हैं जी वो तबाह था, उस वक्त वो पीपुल्स पार्टी के दौर में जब वजीर थे तो ये अपनी कामयाबियों की दास्तानें बताया करते थे कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। तो सीधा सीधा मुझे बता दें 53,400 से 40,700 पर आ गया, 25% कमी हो गई, इसमें फखर की कौन सी बात है? सही, फातिमा साहब आप। हाँ अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जनाब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला, क्या हालचाल? अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा भी यही ख्याल था कि हम ये कर रहे हैं कि 100 रुपये लेके और उसमें से 20 दिखा देते हैं और कहते हैं हम तरक्की कर गए, लेकिन इमरान खान साहब ने बड़े फखरिया परसों तरसों भी बार बार कहा कि देखिए आप लोग परेशान ना हों, घबराएं नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुल्क की जो इकानमी है वो दुरुस्त सफ़र कर रही है और हम तरक्की के बिल्कुल पहुँच रहे हैं। अच्छा अब ये जो 10.8 अरब डॉलर लिया है इन्होंने बहुत कम वक्त में, वो ये कहते हैं कि ये हमारा तो इसमें कुछ भी नहीं है, पिछली हुकूमत के कर्जे हम वापस कर रहे हैं। अच्छा तो आपकी बात जो है कि सवाल ये कि इनके कर्जे कौन अब वापस करेगा, तो क्या यही सिलसिला चलेगा कि हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत पे तबर्रा भेज भेज के काम चलाती रहेगी या कोई हम कोई उसका हल भी निकालेंगे? मोहतरम पहले एक बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है कि लोगों को पता हो कि मैं बात क्या हुई है। पहले ये कहा है कि इन्होंने जो कर्जे वापस किए हैं हाँ। उसके बाद इतने कर्जे दिए हैं कि उसमें 10.8 अरब डॉलर का इजाफा हो गया। मैंने ये नहीं कहा कि इन्होंने 10.8 अरब डॉलर के कर्जे दिए। होता ये है कि अगर हमारे पास 100 रुपए के कर्जे थे, हमने 30 रुपए वापस किए तो 70 रह जाने चाहिए थे, लेकिन हमारे तो 110 हो गए हैं। तो मेरे जो आपसी खिदमत में मैंने अर्ज किया था कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे बैरूनी कर्जों में इतना इजाफा हुआ है कर्जे वापस करने के बाद, तो वो बात तो बिल्कुल गलत हो गई। इसलिए कि आप दोबारा बता दो, जब ये आए थे तो 95 अरब डॉलर का था तकरीबन बैरूनी कर्जे। अच्छा। और आज 100 सितंबर में 106 बिलियन डॉलर के हैं, तो जो अदा करने के बाद बढ़े हैं ये, इसको ये कहना कि जी हमने कर्जे अदा किए हैं ये हकीकत पसंदाना बात नहीं है। आपने 100 रुपए के कर्जे लेके 70 वापस किए तो 30 रुपए तो बढ़ गए, आपने अपनी जेब से थोड़ी वापस किए हैं, वो तो नए कर्जे लेके किए हैं। अजय तो आप ये कह रहे हैं कि 95 अरब वो पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी और अब कितना कह रहे हैं कि आप कितना हो चुका है? ये सितंबर में था 106 से ज्यादा, ये स्टेट बैंक की फिगर है, मेरी बिल्कुल नहीं है। अच्छा तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? देखिए मोहतरम मैंने अभी स्टेट बैंक की रिपोर्ट देख रहा था, वो ये कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो 2018 का फाइनेंशियल ईयर था, जो पिछली हुकूमत का आखिरी साल था, उस साल 5,700 मिलियन डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी आई थी। अच्छा 5,700 मिलियन डॉलर इस हुकूमत का जो पहला साल था 2019 में, उसमें टोटल सरमायाकारी आई 251 मिलियन डॉलर। अच्छा ठीक है, तो 5,700 कहाँ पर है, 250 कहाँ पर है? ये तो ये कह रहे थे कि जी जब हम आएंगे तो वहां से सरमायाकारी आएगी, समंदर बाद पाकिस्तानी कतार लगा लेंगे या पैसा देखेंगे, तो ये तो 250 मिलियन डॉलर की टोटल आई है एक साल में।
अच्छा नहीं, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि देखिए अब क्योंकि ज़ाहिर है एक आम आदमी, मैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट से बार बार बहस करता हूँ कि अल्लाह करे कि मसाइल हल हो जाए, अल्लाह करे कि मुआशी इस्तेकाम आ जाए, लेकिन हम जो कॉमन आदमी है वो ये कह रहा है कि मुआशी हालत बेहतर होने के बावजूद महंगाई अपनी जगह है, बेरोज़गारी अपनी जगह है। अच्छा उनके दावे बिल्कुल अलग है। फादर साहब मुझे आप इजाजत दें, पहले मैं एक जुमला बोल दूं। हाँ। हमने अभी आपने फरमाया कि मईशत बेहतर होने के बावजूद, तो कहाँ बेहतर हुई है पहले तो ये तय कर लिया जाए ना। हाँ। जो आदाद और शुमार हुकूमत के और स्टेट बैंक के हैं, मैं तकरीरों की बात नहीं कर रहा। हाँ। उसमें तीन चीजें बेहतर हुई हैं और 11 खराब हुई हैं। मैं दोबारा बता दूं, 3 बेहतर हुए हैं, 11 खराब हुए हैं। इसको बेहतरी कैसे कर सकते हैं? अच्छा तीन बेहतर हुई है और 11 गब। अच्छा अब सवाल ये है, अच्छा सवाल ये पैदा होता है डॉक्टर साहब, आपकी तो पूरी ज़िंदगी इसी फील्ड में गुजरी है कि मौजूदा हुकूमत सारे मसाइल जो है वो मीडिया पे लड़ रही है, यानी ना हमारे यहाँ पार्लियामेंट का काम है, ना सेनेट का काम है, ना बाकायदा डिस्कशंस हैं, ना कोई डिबेट है, बल्कि अब पूरी पाकिस्तान की जो जंग है, चाहे वो करप्शन पे हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग पे हो, चाहे मौजूदा हुकूमत की कामयाबी, ये सारी गोया मीडिया जंग है। तो क्या ये जो मतलब आप समझे अल्फ लैला की दास्तान की तरह जो हम लड़ रहे हैं, कोए काफ के पहाड़ों में घूम रहे हैं, तो इसका हल क्या, मतलब अवाम को क्या मिलेगा आइंदा 3.5 साल के बाद? पहले मैं आपसे इजाजत दें, आपने इतना अहम नुकता उठा दिया है। हाँ। अभी देखिए आजकल एक बड़ा शोर हो रहा है पाकिस्तान में कि जो बरतानिया से हमें जो है कुछ वो पैसे वापस मिल गए $190 मिलियन। हाँ। तो मेरा एक सवाल ये था कि वहाँ की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने ये पैसा भेजा है, तो अच्छा। अगर वहां से लूटी हुई दौलत वापस दे के यहाँ पैसा आ सकता है। हाँ। तो उन्होंने किया। अब मेरा इस हुकूमत से और नैब से सवाल ये है कि आपने कितनी एसेट्स की रिकवरी कर ली। अच्छा। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुजरिम बाहर पकड़े जाते हैं, बाहर से पैसा आता है, कई मुजरिम मैं देखा कि यहाँ पे वो एक्विट हो गए और बाहर वो पकड़े गए, उनको सजा हुई। तो ये जो पैसा आया है $190 मिलियन ये तो वहाँ की क्राइम एजेंसी ने दिया है। हाँ। और इसको सऊदी अरब में जमा जो जमा कराया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जो वायदा इन्होंने किया था। तो मुझे तो ये हुकूमत बताया कि आपने अपने मुल्क में जो असासे हैं उनसे कितना रिकवर कर लिया, ये तो बुनियादी बात ये है। मगर मैं आपको जो आपका सवाल है ये बता दूं, ये भी हुकूमत की फिगर से मेरी नहीं है, 2016 2017 और 2018 तीन वर्षों में पाकिस्तान में अफरात-ए-ज़र जो था वो 4% से कम था औसत। इस वक्त जो है वो 12.7 है और खाने पीने की अशिया में देही इलाकों में हुकूमत के मुताबिक 19.7 है। अच्छा। तो वो 3 सालों तक अगर वो 4% से कम रहा था, अब ये हो गया, तो इसका पिछली हुकूमत से खुदा के लिए क्या ताल्लुक है, एक तो ये बात है। इसमें आवाम को तो पता चल गया उनको क्या मिल रहा है। देखिए बहुत शोर मच रहा है इस वक्त जो है वो मूडीज का, मूडीज ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बता दूं। हाँ। मूडीज ने ये कहा है कि 2000 हेलो हाँ जी, जी 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 बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच रही है। कि मूडीज ने ये कहा है जी इस हुकूमत को 6.6% का बजट खसारा वर्षे में मिला था, जिसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल इविल्स। हाँ। ये इस साल 8.9 रहा है 219 में और 2020 में ये रहेगा 8.6, और वो ये कहते हैं कि 2023 तक 7% का औसत रहेगा। तो फिर तो इलेक्शन ईयर आ गया, इसका मतलब ये कि बजट खसारा इनके दौर में जो है वो ज्यादा रहेगा। मोदीज ने ये भी कहा है कि इस हुकूमत को जो वर्षे में मईशत पे ग्रोथ रेट मिला था वो था 5.5 2018, वो ये कहते हैं कि 2021 तक 3.5% रहेगा। अच्छा तो नहीं तो अब आप ये बताइए, मैं फिर यही कहूँगा कि ये जो पूरे मुल्क में आवाम को मीडिया पे अब हम सारी यानी सारे सेशंस जो हैं हमारे वो मीडिया पे चल रहे हैं, हुकूमत की तरफ से अपोजिशन तो खैर इन दिनों घिरी हुई है बात ही नहीं कर सकती, तो ये जो इनका एक समझिए प्रोपेगेंडा पूरा जो कंपेन है, तो आखिर ये बम कहाँ फटेगा, आखिर ये ख्वाब कहाँ टूटेगा और कहाँ आवाम को पता चलेगा कि वो मजीद दलदल में फंस गए हैं। देखिए जो चीज मुझे नजर आ रही है वो तो ये है कि 2023 में हम IMF के पास जाने की तैयारी दोबारा कर रहे होंगे और उस वक्त की मैशियत तबाह हो गई, अब आगे बात करें। मेरा कहना ये था कि मसला ये कि हुकूमत तो मुस्तकिल झूठ बोल रही है, अपोजिशन अच्छा। जो है वो अपने डिफेंस में लग गए हैं, वो हुकूमत को चैलेंज नहीं कर रहे हैं इन आदतों से शुमार कर।
वो अपना डिफेंस में लगे हुए अटैक करने के लिए। हमारा मीडिया जो है, मैंने देख रहा हूँ, वो ज्यादातर ये बहस कर रहा है कि नवाज शरीफ जो गए हैं वो डील है आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये बातों पर तो सारा आपकी कौम को तो आपने घर लगा दिया। मईशत कितनी पीछे जा रही है, बांग्लादेश हमसे कितना आगे जा रहा है, तालीम का बजट कितना कम हुआ, सेहत का बजट कितना कम हुआ, महंगाई कितनी कम हुई, 13 लाख आदमी बेरोजगार हो गए। आइंदा जो है वो जो मईशत की तरक्की बेहतर होने का इम्कान नहीं है, कर्जे बेताशा बढ़ रहे हैं जो हम अदा नहीं कर पाएंगे। और एक साल में जैसे मैंने कहा कि 10.8 अरब डॉलर के कर्जे बढ़े, 1.5 अरब डॉलर के आपके रिजल्ट चले गए, ये सारी बातें अपोजिशन को कहनी चाहिए थी, वो अपने डिफेंस में लग गए हैं और मीडिया जो है मसालेदार बातें कर रहा है। तो सवाल ये, सच बात आवाम को कौन बताएगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिरी तो ये समझ रहे हैं कि मईशत तरक्की हो गई और पिछली हुकूमत की गलती है जिससे महंगाई बढ़ गई। अच्छा बच्चे सुने डॉक्टर साहब, वक्त खत्म हो रहा है, एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि अब्दुल हफीज शेख साहब कहते हैं कि 5 माह में इक्तसादी अशारियों में गैर मामूली बेहतरी आई, और दूसरी बात वो कहते हैं कि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ, बस इसका जवाब दे दीजिए मुख्तसर ताकि मसला। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इजाफा हुआ। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुल्की कह रहे हैं ना कि स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी बेहतरी आई, तो आपने 50,000 से इसको ले गए थे 40,000 पे, वो बढ़ गया। इसी तरह से बैरूनी सरमाकारी 52% गिरी थी, उस गिरने के मुकाबले में इस महीने में थोड़ा सा बढ़ गया है पिछले महीने, लेकिन बरामदात में इजाफा नहीं हुआ है। अच्छा, सिर्फ 4.8% हुआ है। और जो सबसे बड़ी फिगर मैं दे रहा हूँ, अफीज शेख साहब इसको अगर कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहें तो कर दें, ठीक है, और आप इस पॉइंट पर बात करते रहे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पर 5.6% की मंथली ग्रोथ हुई है, नेगेटिव ग्रोथ। तो जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अगर नेगेटिव जा रहा है तो फिर पॉजिटिव क्या हुआ, खुदा के लिए बता तो दे। ठीक है जी, बेहद शुक्रिया डॉक्टर शाह साहब, माहिर मौशियात, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक और ब्रेक का, नाज़रीन आप हमें ज्वाइन कीजिएगा इसी प्रोग्राम लाइव विद खालिद फातमी में, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। फातिमा साहब, बात तो ज़ाहिर है कि तीसरे हिस्से में भी हम मईशत पर ही करेंगे, सुस्त मईशत है और मुस्तहकम मईशत नागुज़ीर है। डॉक्टर साहब ने मुफस्सल बयान किया, आप उससे पहले बाद में क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब ने जो कहा उस पे तो पर परवीन शाकिर ही का शेर कह सकते हैं कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मतलब हम तो देखिए, बात ये है कि हम तो जो टीवी पे देखते हैं, अच्छा पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम पीटीआई ने ये किया कि बजाय होता था ना जैसे शर्फा अमूमन घर के अंदर लड़ा करते थे, घर के अंदर फैसले, और जो अमूमन छोटे क्लास के लोग थे वो महल्ले के चौराहे पे करते थे, तो इमरान खान ने एक अच्छा काम ये किया कि वो जो शाइस्तगी थी कि हर चीज़ पार्लियामेंट में और सेनेट में थे, उसको उन्होंने मीडिया पे लाके अब आप समझिए कि हंडिया चौराहे पे फूट रही है। अच्छा, अब जितने दावे हुकूमत ने किए आपके सामने, अच्छा मैं तो जाहिर है इसका इस सब्जेक्ट का माहिर नहीं हूँ के डॉक्टर हफीज़ शेख साहब को या जो उनके तुरम खान हैं हुकूमत के उनके बारे में एग्जैक्ट सेकंड फिगर कहूँ, लेकिन अंदाज़ा तो मुझे है कि ये सारा झूठ का मलबा है जो इमरान खान और उनकी टीम मुस्तकिल कौम से कह रही, लेकिन उनका ये एतमाद है। देखिए है क्या, हिटलर का जो असिस्टेंट था गोबल्स, उसके बारे में भी यही ख्याल कि वो ये कहता था कि अगर 10 बार झूठ बोला जाए तो वो सच हो जाता है। तो इमरान खान का भी ये कहना कि आप मुस्तकिल झूठ बोलते रहिए, एक दिन सच हो जाएगा। तो नतीजा ये है कि अब आप ये देखिए कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अप्रैल 2018 में स्टॉक एक्सचेंज 53,400 था। अच्छा, अब जो वो फिर गिरता चला गया, गिरने के बाद इन्होंने उठा के 40,700 पे किया, ये कह रहे हैं बेहतरी आ रही है। तो सवाल ये, बेहतरी तो आ रही है लेकिन कहाँ से बेहतरी आ रही है, यानी बदतर से आप ज़रा बेहतर। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हुकूमत जो है वो कर्ज़े अदा कर रही, तो वो भी उन्होंने कहा कि भाई कर्ज़े आप अदा करें तो कुछ तो बचेगा, आपके कर्ज़े भी अदा हो रहे और कर्ज़े भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, वादा जिस तरह से आपने अभी डॉक्टर साहब को भी यही कहा कि भाई ये कब तक चलता रहेगा कि हर हुकूमत दूसरी को कहती भी जाएगी, तो ये जो अब्दुल हफीज शेख साहब है ना हमारे मुशीर बराए खजाना, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत को जो बोहरान में फंसी जो मईशत मिली थी वो विरसे में मिली। वो मतलब फिर जब ये जाएंगे तो फिर दूसरी आने वाली ये कहेगी। असल में अब्दुल हफीज शेख साहब चूंकि बहुत पुराने आदमी है, बहुत माहिर है, तजुर्बेकार है, और वो जनरल साहब के साथ रह चुके परवेज मुशरफ के, तो उन्हें ये पता है कि हमारे यहाँ ये
سلسلے جو بیچارگی ہے اور سلسلے جو وہ ہے آپ گداگری یہ چلتی رہے گی، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا، تو وہ کہتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم جو ہم نے پچھلے سے لیا تھا۔ لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کہ وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، اس میں ذرا سی بھی سچائی نہیں جو انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا، بلکہ بہت کھل کے کہا انہوں نے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اس وقت 10.8 ارب ہے، اس سے پہلے 10 سال میں 7 ارب، تو اتنا آسمان۔ اچھا تو آپ ادا کر رہے ہیں قرضے، تو آپ قرضے ادا کر رہے ہیں تو کچھ بچ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ مطلب 100 روپے آپ پہ قرض ہے، آپ نے 100 روپے لے کے 70 دیا تو 30 رہنا چاہیے، وہ کہاں 30 ہے آپ کے؟ تو یہ وہ خفیہ خانے ہیں پاکستان میں حکومت کے، جو اب آنے آپ دعا کریں کہ آنے والی حکومت کے پاس بھی اتنے ہی دبنگ لیڈر ہوں عمران خان کی طرح، جو اسی طرح ببانگ دہل جھوٹ بول کے قوم کو لارے لپے دیتے رہے اور دلاسے دیتے رہے۔ یہ بات طے ہے کہ یہ قوم 72 سال کے بعد وہاں کھڑی ہے، جہاں اب آپ سمجھیں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، جھنجھنے بجاتے رہیے، جو حکومت آئے گی بجاتی رہے گی، کام چلتا رہے گا آپ کا۔ عام آدمی کی جو حالت ہے وہ وہی رہے گی جو آج، جو کل تھی، جو آج ہے وہی کل رہے گی ہمارے حساب سے۔ اچھا، اور یہ جو آخر میں وہی جو سوال رہتا ہے کہ جو یہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی جو اضافے کا رجحان ہوا ہے، تو آپ کے خیال میں تھوڑا حد تک ہوا ہے؟ وہ بھی انہوں نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج میں پیسے آ گئے، اضافہ تو کچھ نہیں ہوا ہے، اور آپ کو باہر سے 190 ملین آ گئے ڈالر، وہ آپ نے اسٹیٹ بینک میں جمع کرے دی، تو آپ کیا حال ہے؟ اور پلس آپ نے اسٹیٹ بینک کا انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے باہر سے قرضے لے کے اس سے کام چلا رہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ فاطمی صاحب۔ ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ سب اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ روبینہ الوی کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔